हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई थिंक आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार हम लोग कर रहे थे वर्क पावर और एनर्जी। ओके, तो वर्क पावर और एनर्जी में हम लोगों ने वर्क एनर्जी और पावर कहिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर और दो लेक्चर हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोगों को करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले हम लोग एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो है काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी का डियर हमें आइडिया नहीं होगा तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का नाम आते ही आपके दिमाग में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स टाइप की बातें चलने लगती होंगी। आप ये थोड़ा सा ये सोचने लगते होंगे कि भाई कोई भी बॉडी होगी तो वो मोशन में हो गई होगी। बिल्कुल आप बहुत सही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि द एनर्जी पॉजेज बाई द मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मोशन होता है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है डियर, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से आती है, वो मोशन की वजह से आती है। वो किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से आती है। इसका जो फार्मूला होता है डियर, वो होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फार्मूला होता है डियर, वो होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये जानिए डियर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये एक रिफरेंशियल थिंग होती है। क्या होती है ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक पॉइंट और आप यहां पे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्या मतलब हुआ इसका डियर? इसका मतलब ये हो गया कि आप किस फ्रेम ऑफ रिफरेंस में हैं और किस फ्रेम ऑफ रिफरेंस में ऑब्जेक्ट है, ये बहुत मैटर करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप किसी वैन में बैठे हैं, आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, किसी वैन में बैठे हैं, और आपके ठीक सामने वाली सीट पे एक बंदा और बैठा है। अब ये दोनों बंदे क्या है, 90 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से ये दोनों मूव कर रहे हैं। ये जो गाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब बात ये आती है, ये जो वैन है और इस वैन में एक जगह पे आप बैठे हो और एक जगह पे ये दूसरा बंदा बैठा है, ठीक है। ये आपकी हो गई वैन। अब देखो, ये पूरी की पूरी बॉडी तो आपकी किस में है? मोशन में है, 90 किलोमीटर पर आर। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि एक बंदा यहाँ बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा है और आपकी जो वैन है ये इसी प्लेटफॉर्म से होके गुजर रही थी। अब हम आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बंदा ए है जो कि आप हो और ये बंदा बी है जो कि दूसरा बंदा है। मैं ये पूछता हूं कि बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अभी बेसिकली ये जो क्वेश्चन है माय डियर, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। क्वेश्चन अधूरा इसलिए है क्योंकि मुझे ये पूछना चाहिए कि बी की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हूम, किसके रिस्पेक्ट में, इस सी वाले बंदे के रिस्पेक्ट में या इस ए वाले बंदे के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर इस ए वाले बंदे के रिस्पेक्ट में अगर बी का हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो ये बताओ मेरे भाई, ए के रिस्पेक्ट में क्या बी में मोशन हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि वो दोनों के दोनों बंदे एक ही फ्रेम ऑफ रिफरेंस में बैठे हैं, एक ही वैन में बैठे हैं। तो इस बंदे के लिए ये बंदा और इस बंदे के लिए ये बंदा, ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी पोजीशन में होंगे। यानी ना तो ये गति कर रहा होगा और ना ही ये गति कर रहा होगा।
एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए की या बी की काइनेटिक एनर्जी बताओ विद रिस्पेक्ट टू सी, जो कि बाहर मस्त बैठा है, ये जो बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में ए की या बी की अगर आप बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो माय डियर आप ये कहेंगे कि इनके पास हाफ एम वी स्क्वायर की, हाफ एम वी स्क्वायर की क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि कैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक एक, एक रिफरेंशियल टर्म होती है, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं काइनेटिक एनर्जी में, ओके इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं काइनेटिक एनर्जी में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक एनर्जी में और किस तरीके से हम लोग उस पर अप्रोच बनाएंगे, ओके। तो थोड़ा सा एक चीज़ और होता है, यही हम उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक चीज़ होती है जो कि आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, सारे बच्चे जानते हैं, ओके। एक चीज़ मोमेंटम होती है, आपको अगर पता हो मोमेंटम पी इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, पी इक्वल टू एम वी लिखते थे। अब आगे चल के अभी जैसे ही हम लोग दो चार छः सवाल करेंगे, वैसे ही फिर हमें नीड ये होगी कि हम आपको मोमेंटम के बारे में और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन कैसा होता है इसके बारे में हम लोग बात करें। तो ये बात हम लोग पहले ही कर लेते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। आइए, अगर हम ये कहें कि ये हाफ एम वी स्क्वायर है और ये एम वी है, तो अब अगर हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, बताइए। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर, इसको पकड़िए जरा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। हम ये कहते हैं माय डियर कि यहां पर भी एम से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया बिल्कुल ओपन करके, तो यम यम 2m हो गया है, 2m हो गया है, 2m का मतलब अलग अलग, यानी कि एक यम वी और दूसरा वी एम वी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, अपान का यम लिख सकते हो कि नहीं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, बोलो हाँ या ना, पक्का। इसका मतलब ये हो गया माय डियर यम वी, यानी आप यहां पे पी लिख सकते हो, यानी कि यहां पे पी स्क्वायर अपान 2m इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन आया है माय डियर, ये रिलेशन आपको बहुत मदद करने वाला है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। यहां से केवल एक ही नहीं, यहां से एक और रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपान 2m, यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, यानी काइनेटिक एनर्जी में अगर आप 2m से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पी स्क्वायर निकल के चलाएगा। यहां से आप पी इक्वल टू, आप ये कह सकते हैं अंडर रूट का के 2m, यानी कि अगर थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिखे, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखे जिससे कि देखने में अच्छा लगे, तो आप कह सकते हैं पी इक्वल टू 2km, काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, काइनेटिक एनर्जी इनटू मास यानी 2 किलोमीटर, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर अंडर रूट में, याद रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ना कह के भाई, ठीक है चलो, तो भाई एक बात याद रखना, क्या बात, ये आप याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। व्हेन एवर वी रिलेट काइनेटिक एनर्जी विद द मोमेंटम, देन वी फाइंड दैट व्हाट, कि पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, या आप अगर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट करना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां तक अगर चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो, भाई एनर्जी है तो यार सीधी सी बात है कि इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां तक बातें आपकी क्लियर हैं तो बिल्कुल अब हम लोग लेना शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस, ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, अब हम लोगों का क्या हुआ है कि क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, हमारे सामने 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन इधर और दूसरा क्वेश्चन इधर है, ओके। ये दोनों क्वेश्चन आपके एम्स और नीट के आए हुए क्वेश्चंस हैं डियर, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इनके आंसर्स देने में एबल हो जाएंगे, मेरा ये
अनुमान यही है। ओके तो चलिए ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ओके डियर, चलिए, अ बॉल ऑफ मास 2 kg, अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम 60 feet टॉल बिल्डिंग After 30 feet falling towards the earth, their kinetic energy कितनी होगी? कह रहे हैं कि भाई क्या किया गया, एक 2 kg की एक बॉडी है और एक 4 kg की बॉडी है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया गया कि 60 feet टाल बिल्डिंग से गिराया गया। 60 फीट टाल बिल्डिंग से जब गिराया गया तो जब वो 30 फीट नीचे आए तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो होगा? √2:1, 1:4, 1:2 या 1:√2। आपको इन्हीं चारों में से कोई एक जवाब देना है डियर। तो मेरे ख्याल से एट फर्स्ट यू हैव टू पॉज योर वीडियो एंड ट्राई योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए, उसके बाद फिर से आइए और इस सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ओके तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 बेसिक्स क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए देखिए कि भाई अगर कोई भी बिल्डिंग होती है, सपोज करिए कि आपकी ये बिल्डिंग है, बिल्कुल यार बेसिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है ना, हम लोग भले ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप बेसिक से चलिए। जब ऊपर से गिराया गया पहले ऑब्जेक्ट को और ऊपर से गिराया गया दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये 4 kg वाला है और ये 2 kg वाला है, और ये दोनों गिरते हुए कहाँ पे आ गए, दोनों गिरते हुए 30 feet पर आ गए, कितने पे, 30 feet पर आ गए। भाई ये बताओ कि अगर वो 30 feet पे आ गए, उनसे आप ना, आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½mv² होता है, यानी कि यम के बारे में तो आपको आइडिया है डियर, लेकिन आपको वी के बारे में आइडिया नहीं। आप क्या सोच रहे हैं वी के बारे में? जब कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, डियर, अगर दोनों को एक साथ गिराया जाए तो यहां पे आने के बाद 4 kg की जो वेलोसिटी होगी और जो 2 kg की वेलोसिटी होगी, क्या दोनों की वेलोसिटीज में अंतर होगा क्या? अरे भाई v² = u² + 2as, क्या कहीं से भी उसमें मास आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी भी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, v ही होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg, 4 kg इज इक्वल टू क्या, ½m बोले तो मास इंटू v², और वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg इज इक्वल टू व्हाट, ½2 × v² अगर दोनों में आप रेशियो निकालना चाहेंगे माय डियर, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, 2 से आप इसको काटिएगा 2 और 1, 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:1। ऐसा कोई है क्या, 2:1 ऐसा है क्या कोई, 2:1। अच्छा कौन सा पूछ रहा है, अब वाला, अच्छा हाँ पहले 2 वाला है ना, तो ये वाला पलट दीजिए, 1:2 कर दीजिए, 1:2 कर दीजिए, क्योंकि पहले छोटे वाले की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ख्याल से क्या बिल्कुल सही है, 1:2 इज द करेक्ट आंसर, 1:2 इज द करेक्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमें कुछ सीखना है डियर, वो ये सीखना है कि आज के बाद कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी टॉल बिल्डिंग से गिराया जाता है तो उन दोनों के ऑब्जेक्ट का सीधे आप रेशियो ले लीजिए, दोनों के ऑब्जेक्ट के मास का रेशियो ले लीजिए, वही होगा क्या, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो। इसका मतलब अगर कल को एक ऑब्जेक्ट 10 kg का गिराया जाता है, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का गिराया जाता है, तो सीधे से आपको कुछ नहीं करना है, 10/5 बोले तो 2:1। कल को अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका 20 kg का गिराया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका 5 kg का गिराया जाता है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बिल्कुल 20/5 इज इक्वल टू कितना, 4:1। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये हमारे लिए एक सीख,
ये हमारे लिए एक लेसन है कि आज के बाद कभी भी अगर फ्री फॉलिंग बॉडी का क्वेश्चन आया और दो तीन चार कितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराए जा रहे हैं उनकी रेशियोज अगर हमसे पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, डियर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो तुरंत के तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत आप दोनों के मास, तीनों के मास, चारों के मास, पांचों के मास, जो भी दिया गया हो उसका आप रेशियो निकालेंगे, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका अपना हो चुका है, अपना हो चुका है। अब आइए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करें। आइए, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाइएस्ट पॉइंट विल बी, क्या होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? ये क्वेश्चन ये कह रहा है डियर कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाई एक्सिस है। आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यो प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली जाइए पीछे, आपकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी रखी है यार, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं और बहुत ही बेसिक से, बहुत ही स्क्रैच लेवल से हम लोग टॉप लेवल तक गए हैं। बिल्कुल आप इस बात की चिंता ही ना करें कि वहां जाने के बाद आपको प्रोजेक्टाइल में फिर कहीं भागने की नीड होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए, ये एंगल थीटा जो है आपका, ये है डियर 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको क्या किया गया, देखिए, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री डियर, है ना, हॉरिजॉन्टल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी के, जब इसको भेजा जा रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के थी, मान लो कि हाफ एम वी स्क्वायर थी, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखो, कह रहा था काइनेटिक एनर्जी द हाइएस्ट, जब ये हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा डियर, जब ये हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पे एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम तो कहते हैं यहां पे एक ऑप्शन और देना चाहिए, जीरो, एक ऑप्शन और देना चाहिए था, जीरो, क्योंकि तुरंत बच्चा जीरो मार देता, जिनको प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया नहीं वो तुरंत जीरो मार देते, कहते हाइएस्ट पॉइंट का मतलब वहां पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, कहेंगे ना रुक जाएगा, लेकिन आपको पता होगा, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा माय डियर कि जब भी कभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में डालते हो तो उसके पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है वी कॉस थीटा वाला और एक होता है वी साइन थीटा वाला। एट दिस सिचुएशन व्हेन एवर योर बॉडी इज ऑन द टॉप एट द हाइएस्ट पॉइंट, एट दैट सिचुएशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी गोज टू जीरो, यानी कि ये आपका जीरो होता है डियर, लेकिन ये आपका जीरो नहीं होता है। बात सही है कि नहीं? ये वाला आपका जीरो नहीं होता है, बिल्कुल। आप यार टेंशन ना लीजिए, वीडियो लंबी जाएगी छोटी जाएगी उससे मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब, अगर आप बहुत तेज हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप तो पढ़िए ही मत, ठीक है, लेकिन हमको बिल्कुल स्क्रैच लेवल से बात करनी है। चलिए, v cos थीटा, अब आ जाइए v cos थीटा की वैल्यू, जो v था वो तो v ही रहेगा, लेकिन cos 45 डिग्री इसका मतलब आ गया यहां पे v रूट टू, इसका मतलब डियर जहां पे v था अब हम वहां पे क्या रखेंगे, यस v बाई, हाँ, तो आप आ जाइए, ये पहला था, अब आप K2 निकालिए यानी काइनेटिक एनर्जी, सेकंड निकालिए, आप क्या कहिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाई, इसका स्क्वायर करिएगा आ जाएगा 2, इसका मतलब इतने की वैल्यू कितनी थी डियर, इतने की वैल्यू अगर K थी तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, K बाई 2, यानी कि अब जो हाइएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू K/2, B for Bombay। इसका मतलब भैया यहां से कौन सी सीख हमें मिलती है इस क्वेश्चन से हमें यह सीख मिलती है डियर कि कभी भी बात प्रोजेक्टाइल मोशन की आए तो हमेशा आप याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन है बट 2 कंपोनेंट्स, नंबर 1 वर्टिकल कंपोनेंट एंड सेकेंड 1 इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट। एक बात और याद रखिएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वेरी करता है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा एक समान रहता है। तो वही बात आई कि भाई यहां पे जो था वही यहां पे रह गया और वी कॉस थीटा की वैल्यू सीधे हम लोगों ने रखा v/√2 और फाइनली हम लोग पा गए आंसर क्या, K/√2।
तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन भी आपका अपना हुआ। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर, चलो। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब आपके सामने एक दो और एक तीन, तीन क्वेश्चन का सेट हम आपके सामने रख दिए हैं। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने के बाद आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को हिट करिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए डियर, सबसे पहले आपको करना चाहिए वीडियो को पॉज और एक दो और तीन, तीन के तीनों क्वेश्चंस पे अपना बेस्ट ट्राई मारना चाहिए। ओके, और जब आप अपना बेस्ट ट्राई कर ले उसके बाद फिर हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। ओके, हो सकता है कि आपने जो ट्राई किया हो वो सही हो या हो सकता है गलत हो, तो सही या गलत की तो बाद में बात आएगी, सबसे पहले तो हमें सीखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद फिर हम लोग करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया, वीडियो को पॉज किया होगा और वीडियो को पॉज करने के बाद आप ट्राई किए होंगे। आइए अब हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इफ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 1 meter per second, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट डबल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ओके, देन ओरिजिनल स्पीड इज, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी डियर क्या है, इसकी वेलोसिटी v है। ओके, अब आप क्या करिए कि इसकी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। इसकी जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे डियर, तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, बहुत सही। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी को, इसकी जो वेलोसिटी थी, अब हम इसकी वेलोसिटी को वी प्लस वन कर देते हैं, इंक्रीज्ड बाई 1 meter per second, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी डियर वो दोगुना हो जाती है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो दोगुना हो जाती है। अब आओ इन दोनों के रिलेशन की बात करें। तो भाई देखो, अब ये तो पहले वाली बात हो गई, अब इनकी बात अगर हम लोग करना चाहें तो हाफ एम वी, वी की जगह पे क्या हो जाएगा, वी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो पहले क्या थी, पहले तो था इनका हाफ एम वी स्क्वायर, अभी क्या हो गया, इसका दोगुना हो गया, इसका मतलब ये गया। और यहां से देखिए क्या हुआ, इधर से यम भी तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया डियर, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा v प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम इधर भेज दिए हैं, तो ये v प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर हो गया। और हमको बताना क्या, ओरिजिनल वेलोसिटी बतानी है, इसका मतलब हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग फटाफट सॉल्व करना चाहें तो कोई शॉर्टकट तो नहीं दिख रहा है, चलिए इसको ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस का 1 और इसको भी इधर ले आइए माइनस का 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस v स्क्वायर को इधर ले आए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर प्लस का 2v और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब सीधे से आप बहुत ज्यादा पचड़े में ना फंसिए, सीधे से आप क्या करिए, श्रीधराचार्य का रूल लगा दीजिए और आप इसका कर लीजिए फैक्टर। तो क्या होता है श्रीधराचार्य का रूल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर ए सी अपान का टू ए। तो देखिए क्या बन जा रहा है, यहाँ पे देखिए 4 4 का 8 हो गया और -1, यानी कि आपका कहीं ना कहीं से -1 + 1, 4 4 का 8 2, √2। हाँ तो ठीक तो है डियर, इधर देखिए -2 + -4 4 8 का यानी कि 2√2 अपान का, अब इसके भी साथ में आप क्या करिए, इसको यही कर दीजिए अपान का 2 अपान का 2,
तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस रूट टू, वन प्लस माइनस रूट टू। तो एक जगह पे तो आपका आ जाएगा वन प्लस का रूट टू और एक जगह पे आ जाएगा वन का माइनस का रूट टू। तो अब देखिए, एक तो आपका वैलिड नहीं होगा, लेकिन एक देखिए यहां पे आपको मिल रहा है, तो वन प्लस का रूट टू आपका जो हो जाएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन यार मेरे ख्याल से ना, ये क्वेश्चन जो था ये काइनेटिक एनर्जी का कम था और मैथमेटिक्स का ज़्यादा था। काइनेटिक एनर्जी का कम, मैथमेटिक्स का क्यों? क्योंकि भाई देखो, यही ये काइनेटिक एनर्जी तो यही खत्म हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी यानी फिजिक्स तो यही खत्म हो गई थी कि जब आपने इसका क्या किया था, एक ज़्यादा किया था और इसको दो गुना कर दिया था, बस ये फटाफट से आएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है डियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब ये क्वेश्चन आपका हो चुका, अब आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़िए, पहले बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा कि टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन रेशियो 4:1, यानी कि दो बॉडीज हैं डियर, दो बॉडीज हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दोनों की काइनेटिक एनर्जी 4:1 है, 4:1 है। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर कह रहा है आर मूविंग विद लीनियर मोमेंटम, है ना, आर मूविंग विद इक्वल, ये बात देखिए, इक्वल लीनियर मोमेंटम, विद इक्वल लीनियर मोमेंटम द रेशियो ऑफ देयर मासेस। अब उनके मास का रेशियो पूछ रहा है डियर, अब उनके मास का क्या पूछ रहा है, अब उनके मास का रेशियो पूछ रहा है। तो अब कैसे करेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में हम लोगों ने कोई रिलेशन पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के में हम लोगों ने कोई रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था बताइए जल्दी से। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने क्या कहा भाई, के इज इक्वल टू, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर था। आपने क्या किया था, ऊपर भी यम से और नीचे भी यम से मल्टीप्लाई किया था। तो आप यहीं से आप क्या किए थे, पी स्क्वायर अपॉन टू यम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोले थे, यही तो बोले थे। हाँ ठीक है, यही बोले थे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी k1 बराबर पी स्क्वायर अपॉन टू यम वन, और फिर आप ये कहिए k2 बराबर, फिर आप कहिए पी स्क्वायर अपॉन टू एम टू, कोई दिक्कत? और यहां पे देखिए दोनों का जो रेशियो है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे भाग कर दें, कैसे, ऐसे देखिए पी स्क्वायर अपॉन टू एम वन अपान में पी स्क्वायर अपान टू एम टू, तो ये देखो पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डियर, पी स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, टू यम टू अपान टू यम वन हो जाएगा, बोलो हाँ, है ना, टू टू भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है ना इनका जो रेशियो है वो 4:1 दे रहा है, इनका जो रेशियो है वो 4:1 दे रहा है। तो अब देखिए तो उनके मास का रेशियो क्या होगा, इनके मास का रेशियो 2:1 हो जाएगा, 2:1 का मतलब ये पलट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4:1, कितना, ये 4:1 है ना, तो ये हो जाएगा 1:4, कितना हो जाएगा, 1:4, देख रहे हैं ना, ये देखे यम जो है यहां पे देखिए यम 1 बन चुका है और यम 2 4 बन चुका है, यानी 1:4 आ जाएगा। कितना प्यारा सवाल था, मेरे ख्याल से आज के बाद आपको दिमाग में रखना है, क्या सीखना क्या है इस क्वेश्चन से भाई। ये क्वेश्चन तो मान लो प्रीवियस ईयर का था, मान लो किसी एम्स में या मान लो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमको इससे ये सीखना है डियर कि आज के बाद जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें दिया गया हो, जब भी कभी हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया गया हो, हमसे उनके मास का रेशियो पूछा, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे क्या कर देना है, ये देखिए ये पलट गया कि नहीं, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको सीधे से क्या करना है, उनके रेशियोज को पलट देना है।
तो इससे हमें यही लेसन मिलता है क्या कि कभी भी अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमको दिया गया है, मान लो कल को हमें रेशियो दे दिया गया 10:15, फिर आपसे पूछ रहा है कि मास का रेशियो बताइए, तो 15:10 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लेसन। ओके, चलो आ जाओ यहां पर अगला क्वेश्चन भी आपको कोई ना कोई लेसन ही देके जाएगा। आइए देखते हैं कि टू बॉडीज, देखो यार कभी होता क्या है, आप नीट की प्रिपरेशन करो चाहे आप जेई की प्रिपरेशन करो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे या जहां कहीं भी क्लासेस चल रही हैं देर आर सो मेनी टीचर्स आर देर एंड देर आर सो मेनी क्लासेस आर देर, कहीं भी डिक्टो क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला है। बस यही है कि आप किस क्वेश्चन से कौन सा लेसन लेके आगे बढ़ रहे हैं, यही बात आगे आपके साथ रह जाएगी। क्योंकि यार डिक्टो सेम क्वेश्चन जो हम यहां पे करा दें या कोई भी सर आपको करवा दें, वो डिक्टो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आईटीज में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं जल्दी से। हाँ जल्दी से नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं, दैट इज द अनदर फैक्ट, बट होते ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको हर क्वेश्चन से लेसन लेना है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए अरे यार ये तो हमको आ जाएगा चलो आगे बढ़ो, नहीं आगे ना बढ़ो, आप इसको देखो, हो सकता है लास्ट तक कोई एक चूरन मिल जाए आपको। ओके, तो चलो आओ देखते हैं कि इसमें हमको कौन सा लेसन मिलने वाला है। तो टू बॉडीज ऑफ मास m, अब देखिए यहां पे क्या है, m और 4m है, हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। अब की बार आपको मोमेंटम बताना। तो चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं। डियर चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को किया, मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और आपने क्वेश्चन किया। अच्छा, जब हम लोग मोमेंटम कर रहे थे तो आपको याद है P = क्या कर रहे थे, √2 km। मैंने बोला था ना कि मोमेंटम = 2 km, मैंने ऐसे बोल दिया था ना मजाक में कि मोमेंटम = 2 km। तो यहां पर देखो, इफ द टू बॉडीज ऑफ मासिस एम एंड 4m, इसका मतलब अगर हम पहले का मोमेंटम कहें P1 बराबर तो 2K1M1, और P2 की अगर हम लोग बात करें डियर तो अंडर रूट में क्या होगा 2K2M2। बोलो हाँ या ना। हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अब दोनों के पास दिक्कत क्या है, दोनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो आपको क्या बताता है, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो आपको मोमेंटम बताना है। तो चलिए ठीक है, यहीं पर आप पुट कर दीजिए, तो पहले का मोमेंटम कितना होगा, 2 रखिए, k की जगह पे k रखिए और m की जगह पे m रखिए। ओके ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे 2 की जगह पे 2 रखिए, k की जगह पे k रखिए और 4m की जगह पे आप यहां पे 4m रख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये गया, यहां पे m है, यहां पे 4m है, m चला गया, तो क्या आया, अंडर रूट में 1/4 = 1/4, यानी कि आपका रेशियो आ गया 1:2। क्या गया, 1:2 आ रहा क्या कोई, बिल्कुल ए वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। तो फिर से वही बात कि हमको इस क्वेश्चन से सीख क्या मिली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर जाएंगे या हमको आंसर ही पता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से सीख हमें यह मिलती है डियर कि अगर कभी भी दो बॉडीज का मास दिया गया है, उनका और ये बोल रहा है कि उनका काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी देखिए यहां पे हैविंग इक्वल काइनेटिक, और उनका अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो सीधा सा ये कहिए कि उनके मास का रूट निकालिए और वही हो जाएंगे उनके रेशियोज, किसके, मोमेंटम के, उनके मोमेंटम के जो रेशियोज होंगे उनके मास के, सीधे लिखिए √m1/√m2, देखिए ना √m1 में, अरे भाई m और 4m का मतलब 1 और 4, क्या आएगा 1/2। ऐसे ही कल को दे दिया गया कि उनके जो मास हैं 25m है और 36m है, 25m है और 36m है, तो अब बताइए कि उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा 25m और 36m, तो क्या हो जाएगा, यस 5:6, क्या हो जाएगा 5:6। तो बिल्कुल हमको हर एक क्वेश्चन से माय डियर आपको केवल और केवल एक चीज लेनी है, दैट इज लेसन एंड ओनली लेसन, बिकॉज नो एनी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रिपीट इन फ्यूचर, कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होने वाला है। बस ये है कि अगर आप हर क्वेश्चन से आइडिया लेते चले गए
तो आप जबरदस्त एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि फिर वहां कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो ही जाएगा। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम इन तीनों क्वेश्चन को भी करते हैं क्लीन और लेते हैं कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके चलो, हाँ तो डियर, अब हमारे पास दो क्वेश्चंस के और सेट आ चुके हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस पे सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी नजर दौड़ाइए और उन दोनों क्वेश्चंस को आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए। तो एट फर्स्ट आप क्या करेंगे कि आप करेंगे वीडियो को पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस पे आप अपना बेस्ट ट्राई मारेंगे। ओके, तो बिल्कुल जैसा जैसा हम कहते हैं आप वैसा वैसा करते चलिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही लाभ मिलेगा माय डियर, डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कुछ ना कुछ लेसन तो दे के ही जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज किया होगा, वीडियो को पॉज करने के बाद आपने अपना बेस्ट ट्राई मारा होगा। आइए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो क्या कहता है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 300%, then the percentage change in momentum. तो percentage change in momentum क्या होगा, अगर kinetic energy आपकी increase कर जाती है तो kinetic energy और momentum में क्या relation होता है। I think ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोमेंटम इजिकल टू पी इजिकल टू क्या होता है, पी इजिकल टू होता है अंडर रूट 2 KM। ओके हाँ, अब बात ये आती है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इनक्रीज 300%, अगर वो 300% बढ़ जाती है, मान लीजिए कि पहले काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या थी, के थी, पहले मान लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के थी, अब के का 300% बढ़ जाता है, यानी 300% बढ़ जाता है, बोले तो कितना बढ़ गया, यानी अब ये 3K बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये K था, अभी 3K और बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये 4K हो गया, कितना हो गया, 4K हो गया। पहले इसका मोमेंटम जो ये हुआ करता था, अब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम अब अंडर रूट फोर के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब इसका मोमेंटम 2K हो जाएगा। यानी कि अगर हम पहले इसका मोमेंटम 2K हुआ करता था, तो आज उसका मोमेंटम क्या हो गया है, इधर देखिए, आज उसका मोमेंटम 2K हो चुका है। तो इंक्रीज कितना किया, 2K - K = how much dear K। पहले K था, अभी 2K हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो इंटू 100 अपान पहले वाला कितना K, तो K तो गया, कितना आया 100%। इसका मतलब ये हो गया डियर कि आज के बाद आप एक बात याद रखिएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ये 300% बढ़ गया, तो 300% का मतलब जानते हैं क्या होता है, 300 का मतलब होता है 3 और एक पहले वाला 4, अगर वो 4 बढ़ा तो इसका मतलब मोमेंटम उसका अंडर रूट टाइम बढ़ता है, यस अंडर रूट टाइम बढ़ता है, यानी वो 4 बढ़ा तो ये 2, अगर ये पहले 1 था, ये देखो ना पहले 1 था, अभी ये 2K हो गया, तो अगर पहले 1 था 2 हो गया, तो इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 100% बढ़ गया। ये देखिए ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। होता क्या है, समस्या ये होती है कि वो 3K ले लेते हैं, नहीं भाई 3K बढ़ा है, तो अब हुआ कितना, 3K + K = 4K। मैथमेटिक्स का मैनिपुलेशन होता है यहाँ पे फिजिक्स ज़्यादा नहीं लग रही होती है माय डियर, यहाँ पे लग रहा होता है क्या, यस आपका मैथमेटिक्स,
तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स. ओके तो ओके चलिए आइए डियर, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी अभी आपके लिए फ्रेम किया है कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोचना ही बंद कर देंगे, तो जरा आप ये बताइए कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे. अब आप देखिए कि x इज इक्वल टू 3t² + 4t. हियर द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये जो x दिया गया है ना आपको, x इज इक्वल टू कितना 3t² + 4t, दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये फंक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है इसका मतलब अगर आप dx/dt निकाले माई डियर, अगर आप dx/dt निकाले तो आपको क्या मिलेगा, आपको वेलोसिटी मिलेगी. अब करिए ना इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, आप जब करिएगा d/dt ब्रेकेट में 3t² + 4t, तो अब आप करिए इसका डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 60 प्लस का 4. और ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपको तब बताना है जब टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, यानी कि अगर आप यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, आपका 4, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. इसका मास है 10 kg, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है डियर, हाफ एम वी स्क्वायर, यम का मतलब 10, वी स्क्वायर का मतलब 4 × 16, तो 2 × 5 = 16 × 5 = 80, 80 जूल आ जाएगा आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से लेसन ये मिलता है हमको डियर कि कभी भी अगर हमको डिस्प्लेसमेंट अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम के फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है तो सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमको वेलोसिटी देता है और काइनेटिक एनर्जी में हमें वेलोसिटी की ही ज़रूरत पड़ती है. तो जैसे ही हमें क्या मिल गया, जैसे हमें वेलोसिटी मिल गया कोई पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मान लो यहाँ पे 1 कहता तो भाई 1 यहाँ पे डाल देते तो 6 × 4 = 10 हो जाता, लेकिन जब टी इक्वल टू 0 करा तो टी की जगह पे 0 आप पुट करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड. तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, 4 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो. यम की जगह पे आप 10 रख दीजिए और वी स्क्वायर की जगह 4 × 16, तो 16 × 5 = 80, 80 जूल फाइनली आपके कदमों में आंसर. ओके तो मेरे ख्याल से डियर यहां तक आपको बहुत ही जबरदस्त सारी बातें समझ में आ चुकी हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अपनी जर्नी को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की. ओके वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से आपका स्टार्ट होगा डियर. ओके तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टोरी. ओके चलो. हाँ तो डियर अब हम लोग उस पड़ाव पे आ चुके हैं जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सीख चुके हैं और हम लोगों को ये पता चल चुका है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब हम लोगों ने ये देखा कि के ई बोले तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता था, उसका हम लोगों ने मोमेंटम के साथ में भी रिलेशन देखा और हम लोगों ने कई तरीके के सवाल किए और आई थिंक कि अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. नेक्स्ट जो आता है डियर वो आता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम. तो ध्यान से देखिए वर्क WORK वर्क, फिर आपका लिखा गया एनर्जी और फिर आपकी आई थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या मतलब होता है पहले आप ये जानिए. वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली ये कहती है डियर कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के वर्क उस पे हो रहे हैं, आइदर मे बी दैट इज वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई एनी मीडियम, दैट विल बी
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल वर्क डन। बेसिकली इसका मतलब है कि टोटल वर्क डन ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी ऑब्जेक्ट कहिए या बॉडी कहिए, ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपका पेंडुलम जैसे मान लो ये आपका पेंडुलम है, इसी तरीके से तो मूव करता है। तो मान लो ये पेंडुलम आपने यहां से आराम से छोड़ा और ये पेंडुलम आके यहां पे पहुंच गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर इसकी एनर्जी की हमें बात करनी होगी तो इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि भाई इस पे यमजी भी लग रहा होता है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होता है, इस पे टेंशन भी लग रहा होता है। अब इन सारे फोर्सेस को एक साथ में कि WT प्लस WMG प्लस W है ना एक्सटर्नल, है ना W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कर दीजिए, तो यहां से इन सवालों को सॉल्व करने में हमें बड़ी मदद मिल जाती है। ऐसे ही माय डियर अगर सपोज करिए कि कोई आकाश से क्या गिर रही है, मान लीजिए कोई बूंद मान लो टपक रही है, मान लो कोई बूंद गिर रही है। अब आपसे ये पूछा गया कि जब वो जमीन पे टकरा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी भी रहेगी। अब आप ये बताइए कि इस पे एयर ड्रैग के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तब भी आपकी कौन मदद करेगा, तब भी आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही तब भी आपकी मदद करेगी। फिर ऐसे क्वेश्चंस की आप जरा कल्पना करिए, केवल आप कल्पना करिए डियर कि आप कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी इस तरीके का आपका वो है, क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन है। अब मान लीजिए यहां से आपको एक यम मास के ऑब्जेक्ट को यहां से ले जाना है और आपको यहां पे पहुंचाना है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ। तो अब यहां पे देख रहे हो नीचे यमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इधर को आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इधर को एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब आपको निकालने में कौन मदद करेगा, यहां पर वही कि वर्क डन यानी कि टोटल वर्क ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूं माय डियर, जब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगेंगे ना, जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो आपको और मजा आएगा। तब आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही जादू टाइप का है ना, बहुत ही जबरदस्त टाइप की थ्योरम है। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप ये समझिए डियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब होता है हाफ MV2 स्क्वायर माइनस हाफ MV1 स्क्वायर। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो हाफ एम कॉमन ले लें, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके? लेकिन बात ये आती है वही कि अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये जानने की चेष्टा हमें जरूर होती है कि ये आया कहां से है। तो चलिए इसका थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक मास एम है, मान लीजिए आपकी ये बॉडी है जिसका मास एम है और इसके पास कुछ वेलोसिटी इसके पास वी है। इस पे कुछ वर्क किया जाता है। अभी इसकी वेलोसिटी वी नहीं हुई है, एक्चुअली इसका मास एम है, इस पे छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू किए और इसको क्या किए, इसको थोड़ी सी दूरी तक इसको विस्थापित कर दिए, इसको डिस्प्लेस कर दिए और यहाँ पे जब ये आ गया तो इसके पास वेलोसिटी वी आ चुकी थी। तो ये बताइए कि इस पे जो छोटा सा वर्क डन हुआ माय डियर, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे F.ds कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आप ये बताइए F.ds कहेंगे। एक छोटी सी डिस्टेंस ही तो इसने कवर करा है, बिल्कुल ओके। चलिए तो भाई
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये समझते हैं कि एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है, एम ए के साथ में हम लोगों ने डीएस का मल्टीप्लाई कर दिया है, डीएस का मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अच्छा इतना तो हमको मोशन वाले चैप्टर से पता है कि भैया जो यम होता है वो तो यम होता ही है, लेकिन ए को हम लोग डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं, ए को हम लोग डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं, साथ में डीएस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डीएस से इसको हम लोग क्या कर देंगे डियर, डीएस से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बहुत सही, बहुत अच्छा। अच्छा डी डब्ल्यू बराबर, इसका मतलब यहां से अब डीएस बाई डीटी क्या होता है, डीएस बाई डी टी क्या होता है, बी होता है, बहुत बढ़िया। यानी कि इसको हम लोग एम बी डी बी लिख सकते हैं, एम बी डी बी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अच्छा ये छोटा सा वर्क डन है, ये मास है और ये छोटी सी वेलोसिटी है, इसका मतलब अगर हम पूरे वर्क डन की बात करें, अगर हम पूरे वर्क डन की बात करें तो क्या हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये W बन जाएगा, और इसको हम इंटीग्रेट किए तो कहां से, V1 वेलोसिटी से V2 वेलोसिटी तक, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब W इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या बन चुका है डियर, यहां पे बन चुका है V1 से V2, और यहां पे क्या एम वी डी वी, एम वी डी वी। अब इतना तो मैथमेटिक्स यार आपको हमको तो आती ही है कि भाई यम जो होता है वो कांस्टेंट होता है यहां पर फिलहाल, तो यम को हम लोग बाहर खींच लेते हैं और इसको V1 से V2 तक वी डी वी को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इतना तो डिफरेंशिएशन यार सबको आता है कि v का इंटीग्रेशन जो होता है वो v स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और जब हम यहां पे लिमिट रखेंगे v1 से v2 तक तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये है आपका वर्क डन बराबर। अब जब आप v1 और v2 बारी बारी रखते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मतलब ये हो गया डियर m ब्रेकेट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और अपॉन का 2 यहां पे बाहर खींच लीजिए, तो यहां से आपका क्या आया W इज इक्वल टू हाफ एम वी टू, वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। क्या डियर यही नहीं छपा है ऊपर, क्या यही नहीं छपा है ऊपर, क्या यही नहीं छपा है ऊपर, बिल्कुल यही छपा है, बिल्कुल यही छपा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात डियर बिल्कुल क्लियर हुई होगी, ये बात आपको डियर क्लियर हुई होगी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे होंगे, उस समय आपको ध्यान देने वाली बात यह है डियर कि इनिशियल में उसकी वेलोसिटी कितनी है और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल में उसकी वेलोसिटी कितनी है और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इसी बात को लेकर हम लोग उसमें नेट वर्क डन निकाल पाएंगे। ओके तो मेरे ख्याल से ये एक डेरिवेशन जो था ये आपको बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि ये थ्योरम आपकी बिल्कुल जबरदस्त अपनी बन जाए और आपको इस पे ग्रिप आ जाए अच्छी। तो चलिए हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग और जबरदस्त बनाते हैं। ओके चलो डियर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक सीखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब उस पड़ाव पे कि अब हम लोग क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट कर दें। ओके तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अब चूंकि थोड़ा सा हम लोग सीख लिए हैं इसलिए कुछ पार्ट तो हम लोगों के हो जाए, उसके बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा लंबी न बना के एक आध पार्ट और इसका बना देंगे जिससे कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा एकदम से कम्प्लीटली तैयार हो जाए। चलो आओ जल्दी से फटाफट, ये क्वेश्चन मेरा फिर से वही है आपसे कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर आके आप सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि यार ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे भी हो जाएगा। आइए देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास एम moves with velocity v is equal to, इस पे देखिएगा v is equal to a root x, v is equal to a root x, okay ठीक है, where a is constant, जहां पे a आपका constant है, okay
फाइंड द टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू डी। यानी कि आपको ये जो वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी इज द फंक्शन, एक्चुअली वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पे एक्स आपका वेरी कर रहा है कहां से, जीरो से डी तक। तो अब आप कैसे कहिएगा कि इसका टोटल वर्क डन कितना आएगा। क्या कह रहा है कि टोटल वर्क डन, तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई कि टोटल वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन ऑफ एनी बॉडी ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है डियर कि हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ डियर कि हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन में हमें m तो मान लो कि हम लोग m मान लेते हैं, मास m है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वेलोसिटी कहां से मिलेगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी कि v इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, v इज इक्वल टू आपको रूट एक्स दिया गया है, v इज इक्वल टू आपको रूट एक्स दिया गया है। और एक्स कहां से कहां तक बैरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू डी तक बैरी कर रहा है। इसका मतलब एक बार आप जब एक्स की वैल्यू जीरो रखिएगा तो ये वी वन आपका जीरो आ जाएगा, और जब आप एक्स की वैल्यू डी रखिएगा डी तो ये आ जाएगा ए रूट डी। यानी वी टू की वैल्यू आपकी आ चुकी है माय डियर ए रूट डी, और वी वन की वैल्यू आ चुकी है आपकी जीरो। तो आइए अब इसमें रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी टू का मतलब ए रूट डी का होल स्क्वायर माइनस का जीरो। देखिए कितना आता है हाफ एम ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा और रूट डी का जब स्क्वायर करिएगा तो डी हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा आपका आंसर हाफ एम ए स्क्वायर डी, हाफ एम ए स्क्वायर डी, बी फॉर बॉम्बे। यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था डियर, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं थी, बस आपको ये चीज़ पहचानना था कि आपको V1 कहाँ से मिलेगा, आपको V2 कहाँ से मिलेगा। आप बिल्कुल जैसे ही आप ये जान जाइए कि जब भी ये आप कहे टोटल वर्क डन, जब आपसे कहे टोटल वर्क डन, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जब बात आएगी तो मास तो फिक्स है लेकिन फिर वेरी क्या करेगा, वेलोसिटी। आपका ध्यान दूसरी बार वेलोसिटी पे जाना चाहिए, दैट इज v1 एंड v2। तो यहाँ पे देखिए जब x इज इक्वल टू जीरो आपने रखा तो यहाँ से आपको v1 मिल गया जीरो, जब x इज इक्वल टू डी रखा तो आपको v2 मिल गया a रूट डी। ओके तो मेरे ख्याल से यार ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा समझा के तो सही नहीं होता है, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं ना, लोग फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमको क्या है ना, हमको हर एक क्वेश्चन से एक लेसन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ईच एंड एवरीबॉडी नो दैट नेवर क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी रिपीट। फिर आपको क्या करना, आपको हर क्वेश्चन से एक लेसन लेना है कि भाई कल को अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ तो हमसे गलती नहीं होना चाहिए। ओके तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि हाफ एम ए स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो अगला हम लोगों का टारगेट है, अगला टारगेट हम लोगों का जो है वो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है कि वीटी ग्राफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, याद रखिएगा कि इसका मास जो है वो 2 kg है, 2 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज सोन। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, ये क्या है, दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस। अब वेलोसिटी एक्सिस पे देखिए ना, यहां पे वेलोसिटी कितनी है 20 है, और यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई, यहां पे वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, जीरो आ गई, यहां पे वेलोसिटी जीरो आ गई। यानी कि आप यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि v1 बराबर 20 मीटर पर सेकंड है और v2 बराबर कितना है, v2 बराबर 0 मीटर पर सेकंड है। क्या ये दोनों बात आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, अगर ये दोनों बात देख पा रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है, यहां पे देखो ना जब ये t बराबर 0 है, जब ये t बराबर 0 है तो यहाँ ऊपर देखिए कितना है 20 है, और जब ये t बराबर यहाँ पे 2 सेकेंड है तो यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी कितनी है, 0 आ गई है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ से अब देखो मास कितना दिया गया है, मास आपको 2 किलोग्राम दिया गया है, 2 किलोग्राम दिया गया है। तो आप क्या करिएगा,
आपको निकालना है टोटल वर्क डन, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो आपको पता है कि वर्क टोटल बराबर क्या होता है, वर्क डन टोटल बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब वही हाफ एम ब्रेकेट में वी टू का स्क्वायर माइनस बी वन का स्क्वायर। चलो आ जाओ, हाफ एम की जगह पे क्या रखिएगा, दो रखिए और ब्रेकेट में वी टू, वी टू कितना है देखो तो ध्यान से, यहाँ पे जीरो है, माइनस का वी वन कितना है 20 है, तो इसका 20 का आप यहाँ पे स्क्वायर करिए, कितना है आंसर ध्यान से देखिएगा। तो हाफ और हाफ यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 400 जूल। बहुत सारे लोग यहाँ पे 400 जूल लगाए हो, देखे होंगे, फट से मार दिए होंगे, जबकि ये क्या है, ये गलत है डियर। आपका आएगा माइनस 400 जूल, आंसर आपका आएगा माइनस 400 जूल, यानी बी फॉर बॉम्बे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि कभी भी आप इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना है आपको। द लेसन ऑफ द क्वेश्चन, द लेसन ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, नेवर नेवर एवर, नेवर एवर फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है आपको। कभी भी आपको इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल किए होते तो आपके कदमों में आया होता 400 और आपको दिला देता गलत, आपका करवा देता गलत और आपका कट जाता नंबर। इसलिए ये बात याद रखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका अपना हुआ और इन दोनों क्वेश्चन से जो आपको लेसन लेना था वो लेसन भी आप ले चुके हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बाइंड अप करेंगे और फिर एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसमें से कि हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ओके डियर, चलो फटाफट कर लेते हैं। ओके चलो, हाँ तो डियर फाइनली हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। ये दो क्वेश्चंस लास्ट हैं हमारे और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे पहले आप बिल्कुल केयरफुली रीड आउट कीजिए और इन पे आप अपना बेस्ट अटैम्प्ट दीजिए। ओके, आप अपना बेस्ट अटैम्प्ट दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है डियर, देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कॉन्स्टेंट फोर्स, अंडर अ कॉन्स्टेंट फोर्स यानी इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज कॉन्स्टेंट, व्हिच काजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, इन मीटर इन इट, ठीक है, जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, गिवन बाई रिलेशन s इज इक्वल टू, आपको जो रिलेशन दिया गया है वो s इज इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर दिया गया है, व्हेयर टी इज इन सेकेंड, द वर्क डन बाई द फोर्स इन 2 seconds, ये देखिए इन 2 seconds, यानी 2 seconds में आपको ये बताना है माई डियर, 2 seconds में आपको ये बताना है कि इस पे कितना टोटल वर्क डन लगेगा। तो फिर से बातें वहीं आके रुकती हैं कि भाई टोटल वर्क डन का मतलब, टोटल वर्क डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये है कि यार देखो, मास तो हमें 2 seconds हमें दिया गया है और मास भी हमें कितना दिया गया है, मास भी हमें 3 kg दिया गया है। बट डियर, बट वन थिंग दैट इज क्लियर कि हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है और वो वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। तो वो वेलोसिटी हम कहां से लाएंगे, वो वेलोसिटी हम यहां से लाएंगे, क्योंकि हमें s इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हाफ 1/3 टी स्क्वायर। इसका मतलब ds बाई dt अगर हम निकालें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी और वो कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 2/3 t, 2/3 t। बोलो अरे भाई इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा, 2 आगे आ जाएगा, t square है, t हो जाएगा, तो 2/3 t हो जाएगा। अब ये कह रहा है इन 2 seconds, तो ये बताओ 2 seconds का मतलब 0 से 2 seconds। तो अब अगर t की जगह पे अगर आप v जीरो यानी v एट t इज इक्वल टू 0 निकालना चाहेंगी तो 0 आएगा, और v जब t इज इक्वल टू 2 निकालना चाहेंगी तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 4/3 meter per second, और ये 0 meter per second। यानी कि कहीं ना कहीं से डियर, कहीं ना कहीं से आपका आंसर, कहीं ना कहीं से आपका आंसर मेरे ख्याल से आ चुका है, कहीं ना कहीं से आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है, देखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ
हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो हाफ है, एम की जगह पे हम तीन रख देंगे और वी वी टू की जगह पे ये देखिए फोर अपान थ्री का होल स्क्वायर, इसको आप बड़े ब्रेकेट को कर दो और माइनस जीरो। इसका मतलब ये हो गया डियर हाफ थ्री इंटू चार चौके सोलह बटे तीन तरीका नौ, तो तीन तीन चला गया दो आठ, यानी कि आपका आंसर आ गया एट अपान थ्री जूल। एट अपान थ्री जूल क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, डी फॉर डेली, डी फॉर डेली, डी फॉर डेली, डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। फिर से वही सारी बात है डियर की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है माय डियर कि वेलोसिटी फाइनली क्या है और वेलोसिटी इनिशियली क्या है, ये दो बातें ही डिपेंड करेगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आ गई होगी। ओके डियर, तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल इंजॉय किया होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब हम लोग मूव करते हैं एंड द क्वेश्चन पे। आइए आइए डियर, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बहुत ही केयरफुली इसको रीड आउट करते हैं और ट्राई ये करते हैं कि इसको हम लोग बिल्कुल पहले ही अटेम्प्ट में बिल्कुल खत्म करते हैं। आइए देखिए, अ फोर्स एक्ट ऑन अ 3 kg पार्टिकल, ऑन अ 3 kg पार्टिकल। तो यहां से आप एक चीज ये पकड़ लीजिए कि इसका मास कितना है 3 kg पार्टिकल, इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, यानी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके चलो ठीक है, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। ओके ठीक है, द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर सेकेंड का मतलब है कि टी बराबर जीरो से टी बराबर चार के बीच में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन आप बताओ। तो भाई सबसे अच्छा एक बात और है, इधर आइए इस वाले क्वेश्चन पे आइए। अगर आप इसको दूसरी तरीके से लगाना चाहते तो क्या नहीं लगा पाते, बिल्कुल आप लगा सकते थे कैसे कि आप s की वैल्यू यहां से निकाल लेते, यहां से आप s की वैल्यू निकाल लेते जब आप यहां पे s की वैल्यू रखते। लेकिन हां, उसके लिए आपको एक चीज और निकालना पड़ता, वो निकालना पड़ता एसिलरेशन। एसिलरेशन के लिए ये जो चीज आई थी ना, इसका एक बार आपको और डिफरेंशिएशन करना पड़ता। तो यहां से एसिलरेशन कितना आ जाता, 2/3 आ जाता, यहां से एसिलरेशन 2/3 आ जाता और ये 2 आपको यहां रखना पड़ता, तो 2 × 4, तो यहां पे हो जाता 4/3, यहां पे आ जाता 4/3 और एसिलरेशन आपका आ जाता 2/3। अब सुनिए, मास इतना था तो डब्ल्यू बराबर एफ एफ डी एफ डॉट डी होता है ना, और यह बराबर क्या होता है यम में, तो यम की जगह 3 और ए की जगह पे आप 2/3 रखिए और ए की जगह पे सॉरी हाँ ठीक है और हाँ यम ए रख दिए, अब आप डी की जगह पे ये रखिए 4/3 रखिए, देखिए आएगा कि नहीं, ये तीन चला जाता, 4 × 2 = 8/3 आया कि नहीं, 8/3 आया ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, ये आपका मेथड नंबर 2 हो जाता, कैसे कि अरे भाई W बराबर F डॉट D, F डॉट अरे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पुरानी चीज़ें भूलेंगे थोड़ी ना कि भाई W बराबर F D cos थीटा होता था, वो आज भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो अभी इसको मैंने देखा तो मुझे याद आया कि अरे यार ये तो फंक्शन है किसका, ये तो फंक्शन है x, मतलब x का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dx by dt सबसे पहले आप निकालिए, dx by dt निकाल लीजिए। तो चलिए कितना आएगा, ये आएगा 3 - 4, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8t और प्लस का 3t स्क्वायर। अच्छा तो ये कहीं ना कहीं से क्या हो गया, ये आपका हो गया वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो ऐसा करिए आप कि t बराबर एक बार जीरो रखिए, जब t बराबर आप जीरो रखे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आपका आ जाएगा t, और जब आप t बराबर कितना रखे 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा 3 - 4 = 32 प्लस 4 × 16 = 48। समझ में आई बात, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आया है आपका v1 कह लीजिए, ये आपका आएगा v2, ये आपका v2 आएगा, कितना आएगा v2 देखिए, तो 32 16 16 3 19, यानी 19 meter per second, ये आपका v2 आ जाएगा और ये आपका v1 आ जाएगा। तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो 3 kg है, तो 3 kg का निकाल लीजिए ना भाई, हाफ हाफ
एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब वी टू स्क्वायर, 19 का 19, 19 361 माइनस 3 तरीका 9, अब यह आ जाएगा 1 बटा 2 गुणे 3 गुणे कितना 161 में से 361 माइनस 9, हाँ सही तो है, सही तो है, फिर इसमें से घटाइए ना, इसमें से घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 352, दो से काट दीजिए, दो से काट दीजिए, दो एक के दो, दो एक के दो, दो सते 14, दो छंग 12, तो 3 छक 18, 3 सते 21, 21 एक 22 और 3 एक के 3 दो 5, 528 जूल आ जाएगा डियर, 528 जूल आपका आंसर आ जाएगा। कोई आंसर मिल रहा क्या? हाँ ये है 528 जूल, 528 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाँ ये ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसे ही लगता, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लगाइए, आप एफ इजिकल टू एम ए से भी लगा सकते हैं, एफ इजिकल टू एम ए, क्योंकि अभी आपका डिस्प्लेसमेंट इतना आया है ना, आपका इतना डिस्प्लेसमेंट आया है, ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फिर ये लेंदी हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, जीरो से लेकर चार तक, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको वर्क एनर्जी पावर है ना, वर्क एनर्जी पावर में अगर आपको क्या कहते हैं ये काइनेटिक एनर्जी वाला, अगर ये फार्मूला आपको पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको पता है, तो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का नॉलेज है तो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से। जैसे देखिए ना, पहले अगर आपको इसका नॉलेज ना होता तो आप क्या करते, आप इसका dx by dt निकालते तो वहां से वेलोसिटी आता, वेलोसिटी को फिर आप डिफरेंशिएट करते तो आपका क्या आता, आपका आता क्या, तो फिर आपका एक्सीलरेशन आता, फिर एक्सीलरेशन जब आ जाता तो एक बार t इजिकल टू जीरो पे देखते हो, t इजिकल टू ए मतलब चार पे देखते, फिर दोनों का अलग अलग निकालते, फिर उसको घटाते, कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ तक, अब हम यहीं पे अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करेंगे डियर, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी तो आपको बोरिंग फील होगी। तो देखिए हाँ, इसके बाद मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन टैबलेट में कराया है, वो भी क्वेश्चन आप कर लीजिए। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले आप केयरफुल्ली रीड आउट करिएगा, उसके बाद आप इसको हिट करने का प्रयास करिएगा। ओके चलिए, क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड अ वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट व्हिच ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट द एंगल थीटा विथ वर्टिकल। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाई द फोर्स, तो इस ये जो फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, इस फोर्स के द्वारा आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें डियर कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, बेसिकली ये जो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने जा रहे हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक बेसिक्स है, वो बेसिक ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट पे जो एफ नेट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एफ नेट कह लो, है ना, या एफ नेट, या आप ये कहिए कि इस पे जो नेट वर्क डन होगा, इस पे जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन जो होगा, इस पे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ओके तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी डियर, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेटवर्क डन होगा उसके बराबर होगी। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कितने तरीकों से फोर्स काम कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई अगर ये रस्सी है तो ऊपर को टेंशन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, इस पे नीचे एम जी काम करेगा, ठीक है, और इस पर एफ एक्सटर्नल इस तरीके से लगाया जा रहा है। ओके तो अब देखो, ये जो होती है ये इसकी मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक आया है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ तक आया है, ठीक है। अब यहाँ तक आने में ये कितना हाइट कवर करेगा, सपोज करो कि ये एच हाइट कवर किया होगा, ओके, और एक बात ये समझिए कि नीचे क्या काम कर रहा है आपका, एम जी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पर जो एफ नेट वर्क कर रहा है उसमें कौन कौन सा वर्क है। तो नेट वर्क की अगर हम लोग बात करें डियर,
तो नेटवर्क में आपका कौन कौन सा आ रहा है? नेटवर्क में आपका पहला तो आ रहा है वर्क बाय टेंशन, ओके, प्लस वर्क बाय एमजी और वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये सारे के सारे जो वर्क डन इस पे हो रहे हैं, ये सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें डियर, तो ये सबसे पहले यहाँ से रिलीज किया गया होगा, और जब ये रिलीज किया जा रहा था उस समय इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, और जब ये लास्ट में इस पोजीशन पे आ गया है तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाती है। इसका मतलब अगर हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें डियर, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका जीरो हो जाएगा, ओके? और बात ये करें कि वर्क बाई टेंशन, तो टेंशन आप सारे लोग जानते हो कि टेंशन जो होता है और इसमें जो मोशन हो रही है, मोशन इसकी क्या होगी? इसकी मोशन ऑलवेज टेंजेंशियल होगी, और वर्क डन जो होगा वो और ये जो टेंशन होता है ये टेंशन परपेंडिकुलरली काम करता, तो इसका मतलब ये जो वर्क डन बाय टेंशन होगा ये भी जीरो होगा। इसका मतलब फाइनली आपका जो वर्क डन या वर्क नेटवर्क जो आएगा आपका, वो आएगा डब्ल्यू एम जी और प्लस डब्ल्यू एफ, यानी कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना? जीरो। अब हम लोग ये देखते हैं कि एम जी के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। तो भाई एम जी के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा? वो यही होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इतनी ऊंचाई पे आ गया है, और एम जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच। लेकिन दिक्कत यह है डियर कि यहाँ पे हमें एच की वैल्यू नहीं पता है, तो एच की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई यही तो डिस्टेंस एच है, यही डिस्टेंस तो एच है। अच्छा ठीक है, अगर यही डिस्टेंस एच है तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये क्या इस डिस्टेंस को आप कॉस थीटा से रिलेट कर सकते हैं? भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बोले तो इतनी लेंथ, ओके? तो आप सीधे लिखिए बेस अपान हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है? एल है। तो यहाँ से अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग केवल बेस की बात करें, बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अगर हम एच की बात करें यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एल माइनस एल, यानी कि अगर एच की बात करें, अगर एल हम यहाँ से कॉमन ले लें तो वन माइनस कॉस थीटा, यानी कि एच की वैल्यू डियर क्या आ गई? एल वन माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच की वैल्यू रख देंगे, और जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन में एच की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एम जी की जगह हो जाएगा माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा? फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका एम जी और एच की जगह एल वन माइनस कॉस थीटा। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था डियर, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, केवल अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं और किस तरीके से सारे के सारे हम फोर्स को, सारे के सारे वर्क जो इस पे हो रहे होते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बस अपना काम हो जाता। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको
जबरदस्त लगा होगा। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट में जरूर करके बताइए गा। इसी के जस्ट बाद मैं वो वाली वीडियो लगा दूंगा, उसी के जस्ट बाद वाली वीडियो मैं लगा दूंगा। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करा करिए, मजा आता है, आपके कमेंट्स को पढ़ने में बहुत ही आनंद मिलता है। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, बिल्कुल जहाँ कहीं भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ऐसे ही यार लगे रहिए और ऐसे ही आप लोग फोड़ते रहिए, तभी तो मजा आएगा ना यार कि फिजिक्स एक अलग डायमेंशन में जाके हम लोग फील करेंगे। ओके, तो ठीक है, आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल जबरदस्त ऐसे ही लगी रहिए, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।